सभी अतिथियों से अनुरोध है कि मंच पर अपना अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके वांग्मय का प्रकाशन एक सुखद संयोग है। ठीक दो वर्ष पूर्व 11 अक्टूबर 2014 को विराट पुरुष नानाजी के लोकार्पण के अवसर पर हमने माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को चक्रवर्ती प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया था। इन दो वर्षों में हमने इस संबोधन को चरितार्थ होते हुए देखा है। आपने दुनिया को बताया है कि किस तरह दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन गुड गवर्नेंस का संवाहक बन सकता है। आपके स्वागत के लिए मैं निमंत्रित कर रहा हूं संपादक मंडल के सम्मानित सदस्य श्री राम बहादुर राय जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सबकी गर्भनाल है। हम सब उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उसके संत तुल्य सर कार्यवाह माननीय सुरेश भैया जी जोशी का सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। आप में सचमुच एकात्म मानव के दर्शन होते हैं। आपका स्वागत करेंगे संपादक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री अच्युतानंद मिश्र जी। दीनदयाल जी ने जनसंघ के माध्यम से देश को एक विशुद्ध भारतीय राजनीतिक विचारधारा दी। भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी उसे युगानुकूल बनाने में जी जान से जुटे हैं। आपका स्वागत करेंगे संपादक मंडल के सम्मानित सदस्य श्री जवाहरलाल कौल। अब से कोई 15-20 साल पहले कई बार कार्यकर्ता पूछा करते थे डॉक्टर महेश चंद शर्मा कौन से वाले महेश जी, तो जवाब मिलता था वो राजस्थान वाले या एकात्म मानव दर्शन की पूर्व व्याख्या करने वाले। लेकिन आज उन्हीं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा को अब से जाना जाएगा एकात्म मानव दर्शन को सुलभ कराने वाले, उसे सहज रूप में सरल रूप में संदर्भों के साथ प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। उनकी 3 दशकों की तपस्या का ये फल, ये जो परिणाम है वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांग्मय। आप इस वांग्मय के सूत्रधार हैं, इसके संपादक हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं इस तपस्या की कहानी। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह माननीय भैया जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह, संपादक मंडल के वरिष्ठ जन, यहां उपस्थित विद्वत जन, विशिष्ट जन, भाइयों और बहनों, यह 1964 की बात है, 1964, जब 10वीं पास कर मैं संघ शिक्षा वर्ग में उदयपुर गया था। यह वही वर्ष है जब दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद पर अपने प्रथम दो बौद्धिक वर्ग दिए। मैं तो बालक था, लेकिन एक अद्भुत का अनुभव हुआ। कुछ अद्भुत चीज है जिसको जानना चाहिए, और उसी वर्ग में दीनदयाल जी ने अपने बौद्धिक में कहा, स्वयंसेवक को राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए जैसा कि मैं हूं। और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के महामंत्री थे, और वो कह रहे हैं कि स्वयंसेवक को अलिप्त रहना चाहिए राजनीति से जैसा कि मैं हूं। तो शाम को उनसे प्रश्न पूछा गया कि एक दल के महामंत्री होते हुए आप कैसे अलिप्त हैं। तो उन्होंने कहा था, मैं राजनीति के लिए राजनीति में नहीं, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूं। इस संस्कृति के राजदूतत्व को उन्होंने कैसे निभाया, इसकी एक लंबी कहानी है। उस कहानी को किंचित उकेरती है यह संपूर्ण वांग्मय की रचना। यह हम सबका सौभाग्य है कि उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर आज हम दीनदयाल जी को पुस्तकाकार में इस मंच पर अवतरित कर रहे हैं। हम सब उनकी स्मृति को नमन करते हैं। वे संस्कृति का राजदूतत्व कैसे करते थे, इसकी तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन केवल दो घटना कहकर मैं बात पूरी करूंगा। समय था 1962 में चीन के आक्रमण के पूर्व का, और उस समय पीकिंग रेडियो ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक भद्दी गाली दी थी, जिसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। और तब जनसंघ का अधिवेशन हो रहा था, और दीनदयाल जी ने इतना भावपूर्ण भाषण दिया और कहा, गांव गांव जाओ, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान भारत का अपमान है, ये भूल जाओ कि हम किस पार्टी के हैं, भारत के गौरव के लिए भारत के प्रधानमंत्री का मान करो। तब किसी ने उनसे कहा 62 के चुनाव निकट है, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नेता है। तब उन्होंने कहा था, पन्ना झाड़ का आदर्श हमारे सामने है, जो उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर देती है। पार्टी किसी ने देश में आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रूस यात्रा थी, आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सोचा गया कि प्रधानमंत्री यात्रा स्थगित कर दे। जनसंघ के महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने वक्तव्य दिया, प्रधानमंत्री सोवियत संघ अवश्य जाएं, लोह आवरण के पीछे छुपी मानवता को भारत का संदेश दें, और मैं जनसंघ का महामंत्री कहता हूं कि आपके अनुपस्थिति में देश के आंदोलन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। उन दीनदयाल जी ने देश को एकात्म मानववाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, आर्थिक लोकतंत्र का, अंत्योदय का जो दाय दिया, वह दाय खजाना है, जो खजाना उन्होंने भारत की संस्कृति से, भारत के इतिहास से, भारत के दर्शन से प्राप्त किया था। उसके बारे में मैं कुछ विस्तार से कहूं अपेक्षित नहीं है, उसके लिए एक छोटी फिल्म बनी है,
उसको आप देखेंगे, मेरा समय पूर्ण हुआ, धन्यवाद, नमस्कार। ये कहानी है उस युग पुरुष की जिसने अपने छोटे से जीवन काल में ही देश और दुनिया को एक ऐसा दर्शन दिया जो कालजयी है। वे दूरदृष्टा थे, आने वाली पीढ़ियों को संबोधित कर रहे थे। कहानी एक ऐसे युग दृष्टा की जिसने पश्चिम के बयार में बहने से इनकार कर दिया और दुनिया को दिया एक अद्भुत दर्शन। उस दर्शन को समेटे हुए एक संपूर्ण वांग्मय और उसमें अंतर्निहित विराट दर्शन के सृजन की एक छोटी सी कहानी। ये है कृष्ण के ब्रज का नगला चंद्रभान, मथुरा के निकट। इस छोटे से घर के निवासी थे श्री भगवती प्रसाद, पास के ही जलेसर के स्टेशन मास्टर। 1916 की बात है, पत्नी रामप्यारी के गर्भ में एक रत्न पल रहा था। उन दिनों की परंपरा के अनुसार वे पहले प्रसव के लिए अपने पिता श्री चुन्नीलाल के घर जयपुर के निकट धाणक्या आई थी। वहीं 25 सितंबर 1916 को उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया दीनदयाल। पुकारने का नाम था दीना। कुछ ही दिनों में समाचार आया कि उनके पिता भगवती प्रसाद जी नहीं रहे और कुछ ही समय बाद मां भी चल बसी। 7 साल के दीना के लालन पालन की जिम्मेदारी संभाली मामाओं ने। कालांतर में वे मेधावी छात्र सिद्ध हुए। गंगापुर, कोटा, राजगढ़, सीकर, पिलानी, कानपुर, आगरा, जहां भी पढ़ने गए अपनी धाक जमा दी। वो आजादी के आंदोलन का दौर था, भारत के विभाजन की जिम्मेदार सांप्रदायिक तथा द्विराष्ट्रवादी राजनीति आजादी के आंदोलन की मुख्य धारा पर अपना दबाव बना रही थी। दीनदयाल जी को लगा कि सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को इस त्रासदी से बचा सकता है। वे स्वयंसेवक बने तथा अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हुए संघ के प्रचारक बन गए। एक दशक तक वे उत्तर प्रदेश में संघ के प्रचारक रहे। इतिहास व समकालीन परिस्थितियों के वे अद्भुत अध्येता थे और अल्पकाल में ही उन्होंने ढेर सारे साहित्य का निर्माण भी कर डाला। विभाजित भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से भारतीय जनसंघ नामक राजनैतिक दल की स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का महामंत्री बनाया गया। उधर कुछ शताब्दियों के इतिहास वाला तथा उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के अहंकार से सराबोर यूरोप वैचारिक दृष्टि से दुनिया पर अपनी दादागिरी जमाना चाहता था। उसके विपरीत हजारों वर्षों के अनुभवी भारत की अपनी महान परंपरा व समृद्ध संस्कृति है। वो किसी अन्य खंडित विचार दृष्टि का पिछलग्गू बने, ये दीनदयाल जी को स्वीकार नहीं था। भारतीयकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा एकात्म मानववाद की विशुद्ध भारतीय विचार दृष्टि को उन्होंने समकालीन संदर्भों में भारत की राजनीति के समक्ष पुरजोर तरीके से रखा। ये सब वे बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कर रहे थे कि 11 फरवरी 1968 को उनकी निर्मम हत्या हो गई। वे चले गए लेकिन हमें सौंप गए एक कालजयी वैचारिक तथा तत्वदर्शी साहित्य। उनके जाने के 5 दशकों बाद उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उनका संपूर्ण वांग्मय प्रकाशित हुआ है। इसका संकलन करने, संजोने, संपादित करने व संवारने में 3 दशकों की तपस्या लगी है। 15 खंडों में संपादित हुए उनके संपूर्ण साहित्य का यथासंभव संकलन हुआ है। आइए देखें उसकी एक झलक।
वर्ष 1940 से 1950 एक दशक की सामग्री है खंड एक में। इसमें संघ प्रचारक के रूप में उनके द्वारा रचे गए साहित्य का संकलन है। ये खंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर परम पूजनीय श्री गुरुजी को समर्पित है। श्री गुरुजी का परिचय संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगा हरि ने लिखा है। आरएसएस के ही वर्तमान सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने इस खंड की भूमिका लिखी है। सभी खंडों में उस काल के संदर्भ में एक अध्याय है, वह काल। इस खंड का वह काल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री राम बहादुर राय ने। खंड दो ये भारतीय जनसंघ की स्थापना का प्रथम लोकसभा चुनाव तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है। उचित ही है कि ये खंड जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान के निदेशक श्री अनिर्बान गांगुली ने उनका परिचय लिखा है। इस खंड की भूमिका विख्यात इतिहासवेत्ता श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखी है। वह काल का आलेखन पद्मश्री श्री जवाहरलाल कौल ने किया है। खंड तीन दो वर्ष का है, यानी 1954 व 1955। ये गोवा मुक्ति संग्राम का काल है। गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले श्री जगन्नाथ राव जोशी को समर्पित है ये खंड। परिचय लिखा है भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलबीर पुंज ने तथा भूमिका के लेखक जनसंघ के जन्मकाल से ही जुड़े वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा हैं। वह काल के लेखक हैं राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री ब्रज किशोर। वर्ष 1956-1957 का साहित्य है खंड चार में। ये संघात्मक संविधान के अनुसार राज्य पुनर्गठन का काल है। ये खंड भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा को समर्पित है। उनका परिचय लिखा है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह ने और भूमिका श्री रंगा हरि ने। वह काल के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री अच्युतानंद मिश्र। सन 1958 ये वर्ष दो खंडों में विभाजित है, पांच व छह। दीनदयाल जी के आर्थिक विचारों के परिपक्व होने का है ये काल। महान गणितज्ञ एवं भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे आचार्य देवा प्रसाद घोष को समर्पित है खंड पांच। ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर ने उनका परिचय लिखा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने भूमिका आलेखन किया है और श्री के एन गोविंदाचार्य ने लिखा है वह काल। खंड छह में संयोजित है दीनदयाल जी की पुस्तक टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स। इसमें डॉक्टर भाई महावीर की लिखी पुस्तक समीक्षा भी शामिल है। उत्तर क्षेत्र के संघ चालक एवं अर्थशास्त्री डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त ने इसकी भूमिका लिखी है। ये खंड महान अर्थचिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को समर्पित है। उनका परिचय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया ने लिखा है। खंड सात वर्ष 1959 का है। इस वर्ष चीन ने तिब्बत को हड़प कर भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी शुरू कर दिया था। दीनदयाल जी को संघ प्रचारक बनाने वाले संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह श्री भाऊराव देवरस को समर्पित है ये खंड। उनका परिचय श्री अच्युतानंद मिश्र ने लिखा है। भूमिका के लेखक हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री चंपत राय और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा ने लिखा है वह काल। खंड आठ वर्ष 1960 से संबंध रखता है। इस दौरान उन्होंने लोकमत परिष्कार पर एक श्रृंखला लिखी तथा राजनीतिक दलों की आचार संहिता का विषय भी लेखों के माध्यम से उठाया। ये खंड समर्पित है
उत्तर प्रदेश जनसंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर सत्याग्रही श्रीमती हीराबाई अय्यर को। श्री ब्रिज किशोर ने इसका परिचय लिखा है। आरएसएस के पूर्व सह सरकार्यवाह श्री मदन दास इसकी भूमिका के लेखक हैं तथा दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन वह काल के। खंड 9 वर्ष 1961 का है। दीनदयाल जी के साथी रहे तथा उनके बाद जनसंघ के महामंत्री बने श्री सुंदर सिंह भंडारी को ये खंड समर्पित है। जयपुर के श्री इंदुशेखर तत्पुरुष ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश भैयाजी जोशी ने इसकी भूमिका लिखी है तथा वह काल के लेखक हैं श्री बलवीर पुंज। खंड 10 एक उथल पुथल भरे वर्ष 1962 का है। इसी साल चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ये खंड एक अन्य विचारधारा के राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद को समर्पित है। उन्होंने दीनदयाल जी की पॉलिटिकल डायरी की भूमिका लिखी थी। इनका परिचय पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर ने लिखा है। भूमिका लिखी है संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने। लब्ध प्रतिष्ठित भारतविद श्री बनवारी ने वह का लिखा है। खंड 11 दो वर्षों 1963 व 64 का है। यह वही समय है जब दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का व्याख्यायन किया था। ये खंड महान भाषा एवं भारतविद आचार्य रघुवीर को समर्पित है। वे जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उनका परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी ने लिखा है। भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के विद्वान शिष्य स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने वह काल का आलेखन किया है। खंड 12 वर्ष 1965 का है। कच्छ समझौता, पाकिस्तान से युद्ध और उसमें भारत की विजय तथा ताशकंद समझौते से कुछ दिन पहले का ये काल है। संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर बलवंत भैयाजी दाणी को समर्पित है ये खंड। संघ के दिल्ली प्रांत सह संघ चालक श्री आलोक कुमार ने इनका परिचय लिखा है। बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने इसकी भूमिका लिखी है तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर सीतेश आलोक ने वह काल। खंड 13 वर्ष 1966 का है। इस कालखंड में वीर सावरकर का निधन हुआ तथा गोहत्या के खिलाफ देश भर में प्रचंड आंदोलन हुआ। दीनदयाल जी के सहयोगी तथा ग्रामोदय प्रकल्पों के शिल्पकार दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक श्री नानाजी देशमुख को ये खंड समर्पित है। उनका परिचय कराया है श्री देवेंद्र स्वरूप ने। इस खंड की भूमिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने लिखी है और वह काल के लेखक हैं पत्रकार श्री राहुल देव। खंड 14 में सिमटा है दीनदयाल जी के अंतिम दिनों का साहित्य यानी 1967 से 68। ये काल भारतीय राजनीति में एक दलीय एकाधिकार टूटने की शुरुआत है। इसी दौरान दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए तथा जघन्य हत्या के शिकार हुए। इस खंड की भूमिका गुजरात के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने लिखी है। वह काल लिखा है पत्रकार श्री जगदीश उपासने ने। ये खंड समर्पित है दक्षिण भारत में जनसंघ के कार्य को बढ़ाने तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री जना कृष्ण मूर्ति को। उनका परिचय श्री ला गणेशन ने लिखा है। अंतिम खंड है खंड 15। इसमें संकलित है ऐसा साहित्य जिसकी तिथि ज्ञात नहीं। महान गांधीवादी चिंतक व भारतविद श्री धर्मपाल को ये खंड समर्पित है।
डॉक्टर जितेंद्र कुमार बजाज ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात पत्रकार श्री मां गो वैद्य ने इसकी भूमिका लिखी है। इसमें दीनदयाल जी संदर्भित अवसान अध्याय का संयोजन किया गया है, जिसे लिखा है श्री राम बहादुर राय ने। दीनदयाल संपूर्ण वांग्मय के प्रकाशन का ये उपक्रम सफल न हो पाता यदि संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह का सहयोग इसमें न मिल पाता। कृतज्ञता एवं आभार। अब समय आ गया है उस अनमोल थाती के लोकार्पण का, जो दीनदयाल जी हम देशवासियों को सौंप कर गए थे। समर्पित करने के लिए मंच के दाईं ओर रखे ट्रेजर बॉक्स की चाबियां माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सरकार वाजी को सौंपने का कष्ट करें। दिन पहले ही तब के कालीकट और आज के कोझिकोड में दीनदयाल जन्मशती की का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये पूरा वर्ष दीनदयाल जन्मशती के रूप में मनाने वाली है। भारत सरकार ने भी दीनदयाल जन्मशती को मनाने का तय किया है और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है कि दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन को दीनदयाल संपूर्ण वांग्मय के रूप में आज जनता के सामने रखने का एक काम संपन्न हुआ है। ये 15 खंडों में दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन को, उनके द्वारा लिखे गए आलेखों को, उनके भाषणों को, दिए गए अलग अलग वक्तव्यों को, प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को और उस समय तत्कालीन जो समस्याएं थी उस पर जनसंघ का और दीनदयाल जी का जो दृष्टिकोण था उसका संकलन ये 15 खंडों में किया गया। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता मगर इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि 15 खंडों में दीनदयाल जी का यह संपूर्ण वांग्मय जो लोगों के सामने आया है वो निश्चित रूप से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, समाज जीवन में देश के लिए काम करने वाले हरेक कार्यकर्ता के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले
हर एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप लिए व्यक्तित्व का विकास अगर करना है और राजनीति में काम किस तरह से जल कमलवत रहकर किया जा सकता है अगर वो ढूंढना है तो खंडों में बहुत सरलता से उसकी प्राप्ति होगी। दीनदयाल जी के बारे में काफी कुछ चीजें कहने को है मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय भैया जी भी है यहां पर, वो बात बताने वाले हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि दीनदयाल जी ने जो बातें उस समय रखी थी और पूरी दुनिया को उस समय जिन चीजों से उन्होंने चेतावनी दी थी, आज एक विकराल समस्या बनकर हमारे सामने खड़े हैं। प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए, दोहन होना चाहिए। मनुष्य और प्रकृति के बीच में परस्पर अवलंबन को समझाते हुए विकास और प्रकृति के शोषण का संतुलन बनाने का उन्होंने जो उस वक्त इंगित किया था, आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसके सामने वो दुनिया के सामने खड़ी है। अगर एकात्म मानववाद ने दिखाए हुए रास्ते पर विकास की अवधारणा सुनिश्चित की होती तो आज शायद ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। राजनेता के रूप में दीनदयाल जी के काम को बहुत कम लोगों ने दुनिया के सामने रखा है। एक चिंतक, एक विचारक, एक संगठनकर्ता के रूप में ही दीनदयाल जी को देखा गया है। मगर मैं जब दीनदयाल जी के जीवन की ओर देखता हूं तब ये बिंदु भी लोगों के सामने रखना मुझे उचित लगता है कि ये दीनदयाल जी एक सफल राजनेता भी थे। एक ऐसे कालखंड में जनसंघ की स्थापना हुई जब पूरे देश में आजादी के आंदोलन का पूरा यश कांग्रेस के खाते में क्रेडिट हुआ हुआ दिखाई पड़ता था और कांग्रेस का सूर्य मध्याह्न में था, तब जनसंघ की स्थापना हुई और 52, 57, 67, 62 और 67 सारे के सारे चुनावों में जनसंघ ने प्रगति ही की। निरंतर बढ़ने वाली पार्टी उस कालखंड में अगर कोई रही तो जनसंघ ही रही और 67 के चुनाव के बाद स्थिति ऐसी आई कि समाजवादी, साम्यवादी और स्वतंत्र पार्टी से भी सबसे बड़ी पार्टी जनसंघ बनकर उठ गई और कई राज्यों में सम्मिलित सरकारें भी हुई। तो दीनदयाल जी का जीवन का ये पहलू शायद बहुत कम लोग आगे रखते हैं मगर सिद्धांत के आधार पर राजनीति करकर, संगठन के आधार पर राजनीति करकर, राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करकर एक पार्टी को मजबूत बनाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण दीनदयाल जी ने हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की कल्पना, ये दीनदयाल जी की भारतीय राजनीति को भेंट है। पहली बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का काम दीनदयाल जी ने किया था और आज दीनदयाल जी ने जो विचारधारा के आधार पर राजनीतिक पार्टियां चलनी चाहिए वो विचार का एक बीज बोया था, आज मुझे कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़ा वट वृक्ष बनकर आज दुनिया के सामने वो बीज खड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम वही रास्ते पे आगे चले और देश के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत रहे। आज एक सुभग समन्वय ही है कि जिस वर्ष में दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी वर्ष आया है वो वर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में है और ये सरकार
श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही है। वो सरकार ने अंत्योदय को किस तरह से सरकारी योजनाओं में ढाला जा सकता है, अंत्योदय के विचार को सरकारी योजनाओं के माध्यम से किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है और अंत्योदय को गरीब कल्याण के एक रास्ते पर कैसे लिया जा सकता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार की सरकार ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। इतने बड़े देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की प्रथम पंक्ति पर लाने के लिए 2.5 साल से कम समय के अंदर जो प्रयास हुआ है, मैं मानता हूं आजादी के 67 सालों में कभी ऐसा कालखंड देश में नहीं आया। समृद्ध भारत उसकी कल्पना को भी चरितार्थ करते हुए गरीब कल्याण और समृद्ध भारत दोनों को एक साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो द्वंद में से मोदी जी ने सरकार को बाहर निकाला। पहले ऐसा माना जाता था कि वेलफेयर स्टेट की रचना, कल्याण राज्य की कल्पना और विकास दोनों के बीच में अंतर विरोध है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि गरीब कल्याण के साथ साथ राष्ट्र समृद्ध भी बन सकता है। आज दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला अर्थतंत्र भारत बनकर दुनिया के सामने खड़ा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षित भारत की कल्पना को भी इस सरकार ने बड़े संयम के साथ चरितार्थ किया है। हमने शांति के रास्ते से एक भी डग इधर उधर ले जाए बगैर मक्कमता के साथ अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, एक गौरवशाली भारत की रचना भी जो दीनदयाल जी के संपूर्ण विचार में से निकल कर आता है, गौरवशाली भारत की रचना आज कहने में दुनिया भर में कहीं पर भी भारतीय बैठा होगा उसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज भारत विश्व की प्रथम पंक्ति के देशों में विराजमान है। वो इस 2.5 साल की कम अंतराल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज दीनदयाल संपूर्ण वांग्मय का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी और माननीय भैया जी के हाथों से हुआ है। मैं मानता हूं कि जिस टीम ने इसके लिए इतना लंबा और धैर्यपूर्ण पुरुषार्थ किया है, वो टीम को जितनी भी बधाई दे वो कम है। श्री महेश चंद्र शर्मा, श्री रामबहादुर राय, अच्युतानंद मिश्र, जवाहरलाल जी और उनके नेतृत्व में, ये लोग हर सप्ताह बैठते थे मगर उनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्यकर्ता ने, बहुत सारे वरिष्ठ अपने नेताओं ने इसके लिए पुरुषार्थ कर 1 साल से कम समय के अंदर इसको दीनदयाल जी के जीवन को शब्द दे देने का काम किया है। मैं पार्टी की ओर से महेश चंद्र जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय श्री सुरेश भैया जी जोशी संघ के सर कार्यवाह जी से कि अपने आशीर्वचन हम लोगों को देते हैं। एक योग कही है, कुछ भी कही है कि 50 वर्ष पूर्व एक विचार को लेकर राष्ट्र को, समाज को, यहां के राजनीति को जिन्होंने एक दिशा दी और 50 वर्षों में देखते देखते उस विचार को एक विश्व में मान्यता प्राप्त हुई, ये 50 वर्षों की असंख्य बंधुओं की साधना का परिणाम है। और इसलिए उन विचारों को फिर एक बार हम सबके सामने लाने का कठिन काम, बहुत परिश्रम पूर्वक जो किया है, मैं उस परिश्रम को प्रणाम करता हूं, उस विचारों के प्रति समर्पित भाव को प्रणाम करता हूं और
हमें सबके लिए इस प्रकार के संकलित सामग्री उपलब्ध करा दी, इसलिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। भारत अपने पहचान जैसे अपनी संस्कृति है, अपने जीवन की शैली है, अपनी परंपराएं हैं, उसी प्रकार भारत की पहचान विश्व में एक चिंतन के आधार पर भी है। और भारत का चिंतन हमेशा ही जीवन के सभी क्षेत्रों में जो यहाँ के मनीषियों ने दिया है उसका वर्णन हम कर सकते हैं कि वो शाश्वत है, सार्वकालिक है और सार्वत्रिक है। पंडित जी ने रखा हुआ एकांत मानव दर्शन का विचार भारत की चतुर सीमाओं के लिए नहीं तो समस्त मानव जाति के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। हजारों वर्षों से जो ही चला आया और भविष्य में भी यही चलता रहेगा, यही चिंतन चलता रहेगा। इसी चिंतन के आधार पर काल सुसंगत रचनाएं व्यवस्थाएं बनती जाएगी, लेकिन चिंतन इस प्रकार का श्रेष्ठ है कि उसके संदर्भ में किसी प्रकार की दुविधा हम लोगों के मन में तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो के बाद उनके कई स्थानों पर जो उद्बोधन हो गए उसका स्मरण होता है। उन्होंने कहा है कि यहां का चिंतन की जो नींव है वह अत्यंत सशक्त है, मजबूत है। उस नींव के संदर्भ में हमारे मन में कभी कोई संभ्रम न रहे, लेकिन इस नींव पर जो भवन खड़ा होता है वो भवन सब प्रकार के अनुकूलता प्रतिकूलताओं में उस पर क्षरण आता है। समय समय पर नेतृत्व की और हम सबकी भूमिका रहती है कि उस आए हुए क्षरण को दूर करते हुए उस मजबूत नींव के आधार पर भविष्य में भी वो भवन सारे विश्व को मार्गदर्शन करने वाला बना रहे। और ये पंडित जी के विचार हम सबको इसी दृष्टि से प्रेरित करने वाले हैं। ये ठीक है कि पंडित जी का चिंतन ये केवल राजनीतिक नहीं है, पंडित जी ने रखे हुए विचार सामाजिक क्षेत्र में करने काम करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के धार्मिक चिंतन को लेकर काम करने वाले विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को भी एक वैचारिक बल प्रदान करता है। ये बात निश्चित है, विचार शाश्वत होते हैं और व्यवस्थाएं तो बदलती रहती है। परंतु भारत के मनीषियों ने तो ये भी कहा है कि हमने दरवाजे बंद करने की बात कभी नहीं कही। यहां हम नए नए विचारों का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, परंतु स्वीकार अथवा अस्वीकार उसकी एकमात्र कसौटी है कि वो समाज के लिए, मानव जाति के लिए, देश के लिए हितकारक है कि नहीं है, उसी के आधार पर उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए बंद दरवाजों में चलने वाला भारत का समाज भी नहीं, भारत के मनुष्य भी नहीं, समय समय पर नेतृत्व करने वाला भी वर्ग उस चौकट में बंधा हुआ नहीं है। और इसलिए यह एक चिरंतन प्रवाह चलता है। पंडित जी के विचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि जहां पर उन्होंने एक व्यक्ति के संदर्भ में कहा वहीं पर उन्होंने व्यक्तियों के समूह जिसको हम समाज शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए भी कुछ बातें कही। और ऐसे व्यक्तियों का समूह जिस भौगोलिक सीमा में रहता है उस देश के संदर्भ में भी एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन इस एकांत मार्गदर्शन से हमें प्राप्त होता है। तो व्यक्तियों के बारे में कहते हैं विचार तो श्रेष्ठ है परंतु व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कहा है। एक सामान्य बात है कि व्यक्ति का जीवन सुखी समृद्ध संपन्न होना ही चाहिए। व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण करने वाली व्यवस्थाएं काल के अनुसार बनती रहनी चाहिए। अगर मनुष्य सुखी समृद्ध समाधानी है तो समाज भी सुखी समृद्ध बन सकता है।
और इसलिए समय समय पर इसे एक मूल कल्पना को सामने रखकर शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और उस मनुष्य को केंद्र बिंदु में रखकर सब प्रकार के व्यवस्थाओं का विचार होने की आवश्यकता रहती है। मैं समझता हूँ कि आज वर्तमान में उनके अनुयायी गण उनके विचारों को हृदय में धारण करते हुए आज उसी योजना पर बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति लगाते हुए क्रियान्वयन में लगे हैं। यह हम सबका भाग्य है। ये बात सही है कि व्यक्ति के संदर्भ में विचार करते समय व्यक्ति को भी एक समग्रता से सामने रखा है और इसे व्यक्ति के समग्रता का विचार शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करना यहां तक सीमित नहीं है। व्यक्ति की ऊर्जा है, व्यक्ति की प्रतिभाएं हैं, व्यक्ति की क्षमताएं हैं, व्यक्ति का अपना एक स्वयं का व्यक्तित्व है, उन सब बातों को सामने रखते हुए ऐसा व्यक्ति का विचार इस एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने हमें सामने रखा। मैं समझता हूँ कि सभी क्षेत्र में इस प्रकार के चिंतन को बनाए रखते हुए योजनाओं पर बहुत प्रामाणिकता से प्रयास होने की आवश्यकता है। समाज के संदर्भ में वो कहते हैं जैसा व्यक्ति अपने आप में एकात्म है वैसे समाज भी अपने आप में एकात्म होना चाहिए। भारत के जीवन शैली में परंपराओं में एक जीवन के सूत्र हमारे यहाँ पर परंपरा से विकसित हो गया है। वो सूत्र ये बताते हैं कि परस्पर सहयोग और परस्पर सहकारिता उसके बिना समूह का कल्याण असंभव है। इसलिए अपने यहाँ पर सहकारिता यह व्यवस्था नहीं एक जीवन का मूल्य के रूप में रखा गया और इसका संस्कार व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से उसको प्राप्त होते हैं और उस पारिवारिक जीवन में प्राप्त हुए संस्कारों को लेकर जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में उतरता है तो उसी प्रकार के भाव को लेकर उतरता है। मैं समझता हूँ कि यह सहकारिता का सूत्र सब प्रकार की रचनाओं में इसका महत्व है। परस्पर सहयोग के बिना जीवन सत्ता के कल्याण के मार्ग पर चलना कठिन है और इसलिए इस सूत्र को रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से बनती है। हमारे यहाँ पर एक और सूत्र रखा गया है कि परस्परावलंबन का सूत्र है। स्वावलंबी जीवन की अपनी एक मर्यादा है। आज लोग कई प्रकार के ग्लोबलाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, यह हमारे लिए कोई नई बात है। विश्व समुदाय एक है और इस विश्व समुदाय को एक रखते हुए अगर हम एक दूसरे की चिंता करने वाला विश्व अगर बनता है बनेगा तो वह एक ही सूत्र के आधार पर बनेगा। यह परस्पर अवलंबन यह ही एक सूत्र ऐसा लगता है कि जो सारे विश्व को एक कर सकता है। लेकिन दीनदयाल जी ने इस विचार को रखते हुए सारे विश्व के मंगल का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा यह हम सबके सामने रखा। मैं सोचता हूँ कि आज संदेश विश्व को अपने नेतृत्व के द्वारा देने का एक सफल कार्य इस समय हो रहा है। विश्व को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। इस प्रकार का एक आत्मविश्वास हम तक अंदर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर हम कर सकते हैं। हमें अहंकार नहीं, हमें आत्मविश्वास है कि भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। वो क्या है इसको समझते हुए देने के लिए जाना पड़ेगा और गत दो ढाई वर्षों का अनुभव हम कर रहे हैं कि विश्व के कल्याण में देश भारत के इस मार्ग को स्वागत करते हुए दिखाई दे रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी विशेष बात। मैं गत इतिहास में जाना नहीं चाहता पर सोचना दो ढाई वर्षों का अनुभव हम सबके सामने है। हमको सबको गौरवान्वित जब हम भारत के शक्ति की बात करते हैं तो एक बात हम सबके अनुभव में आती है
भारत की शक्ति भारत शक्ति समाज संपन्न होगा दुनिया के सब प्रकार की दुर्बलताओं को समाप्त करते हुए सारा मानव समूह शक्ति संपन्न बने इस दिशा में भारत चिंतन करने वाला बहुत भारत की शक्ति साम्राज्य वाले नहीं विस्तार वाले नहीं हमने लोगों को पराजित करने के बजाय हमें लोगों को जीतने पर विश्वास रखा है हम जाते हैं हम विश्व को जीतने के लिए जाते हैं किसी को पराजित करने के लिए नहीं जाते अगर देश में कोई खंड होगा फिर एक बार इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है इसका अनुभव सारा विश्व भी करता है हम सामान्य जन भी कर रहे हैं उसमें एक मजा लगा एक भाव एक विश्वास पंडित जी के चरण को स्मरण करते हुए सारे विश्व के सामने पूरे शक्ति के साथ ले जाने वाला भारत तरंग में चल सकता है जब हम इस भौगोलिक इकाई को हिंदुस्तान कर रहे हैं भारत के इसके संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो भूमिका भारत को निभानी है उस भूमिका का निर्धारण करने वाला भारत ये सुरक्षित होना चाहिए आज के इस कालखंड में सामान्य समाज के जीवन के लिए जो जरूरी सुख सुविधाएं आवश्यक है और सुख सुविधाएं का विस्तार करते हुए उसको बनाना एक स्वाभाविक रूप से शासन के रूप में देखते हुए व्यक्ति को बहुत जरूरत है लेकिन इन व्यवस्थाओं को जब ठीक करवाना समाज और सत्ता इनके परस्पर सहयोग के बिना ये कैसे संभव है अगर यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाए तो स्वच्छता अभियान जब तक यहाँ की जन सामान्य का विषय नहीं बनेगा तब तक कैसे सुधार से देश बनेगा इसलिए आज के इस अवस्था इस कालखंड में जिस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है मैं समझता हूँ कि इसमें हम सब के बीच मिलकर कहने की बात है का मानस हमारे यहाँ पर जो विचार रखा गया है वो सर्वजनता है सर्वजन सुखी बात कहते हैं समस्या का निवारण करना है तो इससे बड़ा विचार
जब हम कुटुंब की बात करते हैं उसके आधार पर हम कुछ जीवन शैली की तरफ ये जीवन शैली भारत की जीवन शैली हिंदू समाज की जीवन शैली के नाम से जाने जाते होंगे लेकिन किसी समूह विशेष की नहीं है यह पूरे शक्ति के साथ विश्व के सामने रखते हुए विश्व भर के समाज को प्रस्तुत करेगा भारत के बना पड़ेगा भी होगा और छोटी
Thank you.
But you can get a job.
है।